لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معزز ومشاهدين गुजत और नश्त में हमने हज की फजीलत हज की अहमियत हज के फवाद और समरात क्या हैं इस ताल्लुक़ से किताब सुन्नत के हवाले से बहुत सारी बातें आपके सामने रखी गई थी और इस नश्त में हम आपके सामने हज के कितनी किस्में हैं हज के अरकान क्या हैं हज के वाजिबात क्या हैं हज की सुन्नतें क्या हैं और इसी तरीके से तरीक़ हज यानी जब आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो आप हज कैसे करेंगे कि आपका हज सुन्नत नबी सल्ला व्ल् के मुताबिक हो सके और आपका हज हज मबरूर हो सके तो ये चीज़ें हम तफसील से आपके सामने अभी हम बयान करने वाले हैं मुलाहजा फरमाया सबसे पहले चीज़ जो आप नाजरीन को जानने की है कि हज की कितनी किस्में हैं हज की कुल तीन किस्में हैं पहला हज जिसे हज इफराद कहा जाता है हज अफराद ये है कि एक हाजी ये मीकाश से सिर्फ़ और सिर्फ हज की नियत करता है और कहता है हज़न मक्का पहुंच करके वो तवाफ़ कदूम करेगा और चाहे तो तवाफ़ कदूम के साथ सही भी कर ले वो एहराम की हालत में रहेगा उसका एहराम ये दस तारीख को रमय जमरात और कुर्बानी करने के बाद उसका अहराम खुलेगा हज की दूसरी किस्म जो है ये हज करान है हज की दूसरी किस्म हज करान है हज करान ये है कि एक हाजी मीकात से हज और उम्र दोनों की नीयत एक साथ करेगा नीयत करेगा अल्लाह मलबैक हज जन वमरा हज और उम्र दोनों की एक साथ नीयत करेगा जब ये हाजी मक्का पहुँचेगा मक्का पहुँच करके तवाफ़ कदूम करेगा और तवाफ़ कदूम के साथ सफा मरवा की सही करेगा अपने अहराम को नहीं खोलेगा दस तारीख को यह है कि इंसान कंकरी मारेगा बड़े शैतान को और कुर्बानी करेगा और कुर्बानी करने के बाद हलक या तकसर करेगा और अहराम खोल देगा इससे पहले हज अफराज जो मैंने बयान किया हज अफराद में कुर्बानी नहीं हज अफराद में कुर्बानी नहीं है तीसरी चीज़ जो हज की है वो हज तमत् है हज तमत् है हज तमत् यह है कि इंसान से सिर्फ और सिर्फ़ उम्रा की नीयत करेगा और कहेगा अल्लाम लब्ब उम्र या लब्क उम्र अब ये जब इंसान मक्का पहुँचेगा मक्का पहुँच करके तवाफ़ कदूम सही करेगा सफा मरवा की और सही के बाद हलक या तकसर अपने सर के बाल को छिला लेगा या सर के बाल को कटवा लेगा और इस तरीके से वो अहराम को खोल देगा तो ये हज तमत्तो है कि हज तमत्तो करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ मीकात से उम्रा की नियत करेगा और मक्का पहुँच करके उम्र से फारिग होने के बाद अहराम खोल देगा और चूँकि हमारे बहुत से हाजी जो अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से जाते हैं आम तौर से हज तमत्तो करते हैं तो हम इन आज के इसम में इस नशिस्त में हज तमक्व का तरीक़ा ही हम बयान करेंगे और कबल इसके कि हम हज तमत्तों का तरीक़ा बयान करें हज के अरकान क्या हैं और हज के वाजिबात क्या हैं इसको भी हम बताते चलें हज के कुल चार अरकान हैं हज के कुल चार अरकान हैं नंबर एक एहराम तहराम यानी हज की नीयत करना हज की नीयत करना कि इंसान जब मिकास से नीयत करता है तो ये हज की नीयत करना नंबर दो मैदान अरफात में अकूफ करना मैदान अरफात में ठहरना ये हज का दूसरा रुकन है तीसरा रक्न तवाफ़ ज़ियारत है जिसको तवाफ़ एफाजा भी कहते हैं और ये इंसान दस तारीख को यौम नहर को बड़े जमरा को जमरे अकबा को कंकरी मारने के बाद और यह है कि अगर मतमत्ते या कारिन है तो यह है कि कंकरी मारने के बाद कुर्बानी करना कुर्बानी करने के बाद सर के बाल को छिला देना अहराम खोल देना और फिर दस तारीख को जा कर के ये तवाफ़ ज्यारह करता है खाने क़ाबा का सात चक्कर लगाता है तो ये तवाफ़ ज्यारह है और चौथा रकम सफा मरवा की सही करना है तो ये हज के चार अरकान हैं इन चारों रुकनों में से अगर कोई रुकन छूट जाए तो इंसान का हज बातिल हो जाता है उसको दोबारा हज करना पड़ेगा ये अरकान हैं ये रुकन हैं, जिनकी अदायगी कंपलसरी है लाजिम है ज़रूरी है हज के अरकान जब आप समझ लिए कि हज के ये चार अरकान हैं अब इसके बाद में हज के वाजिबात क्या हैं वाजिबात ये हैं वाजिबा ये सात आपको बताए जा रहे हैं कि हज के कुल सात वाजिबात हैं इल्ला कि एक इंसान जो हज खरान कर रहा हो या हज तमत्तो कर रहा हो तो वो हज यानी कुर्बानी भी पेश करेगा वाजिबात में सबसे पहला वाजिब यह है मीकात से एहराम बांधना मीकात से एहराम पहनना दूसरा वाजिब हज का है सूरज के डूबने तक अरफा में वकूफ़ करना अरफात के मैदान से हाजी को कब निकलना है सूरज के डूबने के बाद तो गरूब शम्स तक मैदान अरफात में हाजी का ठहरना यह हज का दूसरा वाजिब है तीसरा वाजिब हज का यह है कि दसवीं दिलहिज़ा यौम नहर की जो रात है वो रात मुज़दलफा के मैदान में गुजरना जिसे मबीते मुजदलफा कहा जाता है चौथा वाजिब यह है कि अयाम तशरीक की रातें मिना में गुजारना ग्यारह और बारह जलिजा की रात अगर एक इंसान बारह तारीख को कंकरी मारने के बाद गरूब सम से पहले अगर मक्का चला जाता है तो वो ग्यारह और बारह की रात मिना में गुजारेगा और अगर एक इंसान बारह जलहज़ा को मिना नहीं जाता है बल्कि तेरह जलहजा को जाता है तो उसे ग्यारह बारह और तेरह यानी इन तीन रातों को मीना में अपने खेमे में गुजारना है तो ये हज का चौथा वाजिब है पांचवा वाजिब है कि जमरात को कंकरी मारना दस तारीख को कुर्बानी के दिन जमरे अखबा जिसे लोग अपनी ज़ुबान में बड़ा शैतान कहते हैं उसको कंकरी मारा जाता है और ग्यारह बारह या ग्यारह बारह और तेरह जलहज़ा को ये तीनों जमरा को यानी जमर सुगरा जिसे छोटा शैतान लोग कहते हैं जमर उस्ता जो बीच का होता है और जमर अकबा जो बड़ा शैतान जिसे कहते हैं तो इन तीनों जमरात को ग्यारह बारह दस और जो रुकते हैं तेरह को जाते हैं तो तेरह झलहजा को इन जमरात को कंकरी मारना ये हज का पांचवा वाजिब है छठा वाजिब यह है कि इंसान हलक या तकसर यानी जब दस दिलहिजा को इंसान जमर अकबा को कंकरी मार लेगा कंकरी मारने के बाद अगर वो मतम या कारी है कुर्बानी हो जाए अपने सर के बाल को छिला दे या सर के बाल को कटवा ले तो सर के बाल का छिलाना हलक करवाना या कसर करवाना ये हज के छठे वाजिबात में से एक वाजिब है सातवां वाजिब ये तवाफ़ विदा है जो हज का आखिरी काम होता है तो ये सात चीज़ें हैं जिन्हें हज के वाजबात के नाम से जाना जाता है इन वाजबात में से अगर कोई वाजिब छूट जाए तो उसके छूटने पर इंसान को दम देना होगा दम ये है कि एक बकरी मक्का में ज़ुबह करे और उस बकरी का गोश्त मक्का के जो फकरा वम मसाक़ीन हैं उनमें तकसीम कर दे तो जो वाजिब छूटा है उसके छूटने पर उसकी तलाफ़ी हो जाएगी और उसका हज दुरुस्त हो जाएगा तो ये वाजिबात हज हैं जिनका ज़िक्र किया गया आखिरी चीज़ जो एक इजाफे की है कि अगर एक इंसान जो हज करने वाला है वो हज इफराद नहीं कर रहा है हज तमत्तो कर रहा है या हज किरान कर रहा है तो दस तारीख को योमुन नहर को वो हज का जानवर यानी एक कुर्बानी भी वो पेश करेगा जो वाजिबात हज में से एक वाजिब है और ये उसके लिए है जो हज करान कर रहा हो या हज तमत्तो कर रहा हो तो इस तरीके से आपके सामने हज के तीन अकसाम का जिक्र किया गया और हज अफराद किसे कहते हैं हज करान किसे कहते हैं हज तमत्तो किसे कहते हैं इसको बताया गया इसकी तारीफ़ की गई इसका डिफ़िनेशन आपके सामने पेश किया गया और उसके बाद में हज के जो चार अरकान हैं इनकी वजाहत की गई और फिर उसके बाद में हज के जो वाजिबात हैं उसका तफसीली तौर पर जिक्र किया गया हज के कुछ सुनन हैं कुछ मुस्तहबात हैं उसमें से ये है कि अहराम पहनने से पहले इंसान गुस्ल कर ले अहराम पहनने से पहले इंसान अपने जिस्म के गैर जरूरी बालों को काट ले एहराम पहनने से पहले इंसान अपने जिस्म पे खुशबू लगा ले जब तवाफ कर रहा हो तो इंसान इस्तेबा करे यानी सातों चक्कर में दाहना कंधा खुला रहे मर्दों का इसी तरीके से रमल है शुरू के तीन चक्करों में कंधे हिलाते हुए छोटे छोटे कदम रख के तेज चलना इसी तरीके से रुकने अमानी हजर असबद के बीच में रब्बना आतना फिर दुनिया हंसाना वफ़ी आखिरत हंसाना वकीना नार पढ़ना इसी तरीके से रुकन अमानी का इस्तेमाल करना रुकन अमानी को छूना इसी तरीके से हजर रवद को भीड़ ना हो दूसरों को तकलीफ ना दे करके मुमकिन हो तो हजर रवद का बोसा देना मकामी इब्राहिम के पीछे या जहाँ कहीं खाली जगह मिले तवाफ की दो रखात नफल पढ़ना इसी तरीके से सफा मरवापे के बीच में जाते हुए जो ग्रीन लाइटें हैं तेज़ चलना सफ़ा और मरवा पर दुआएं पढ़ना ये तमाम चीज़ें क्या हैं ये हज के सनन और मुस्तहबात में से हैं कि इनके पढ़ने का भी इंसान एहतमाम करे अगर कहीं कोई सुन्नत छूट गई तो उसके छूटने पर इंसान ना गुनहगार होगा और ना ही उस पर कोई दम देना होगा लेकिन कोशिश ये हो कि इंसान उन सनन मतहबात को भी अपनाए तो ये चंद चीज़ें इस हवाले से आपके गोसे गुजार की गईं अब इसके बाद में इन हम आपके सामने हज तमत् का तरीक़ा क्या है कि हज तमत्तो कैसे करेंगे चूँकि अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम ने हज करान किया आपने जो हज किया हज करान किया हज और उम्र दोनों की नीयत आपने एक साथ की थी लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लाम ने उन सहाबराम को जो कुर्बानी का जानवर साथ में लेके नहीं गए थे उन्हें कहा कि उम्र करके अहराम खोल दो और ये कहा कि मैं भी अगर कुर्बानी का जानवर साथ में न लाया होता तो मैं भी एहराम खोल देता यानी उम्र करके मैं भी हलाल हो जाता ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना जाहिर की थी जैसा कि इसकी सराहत सही बुखारी किताबुल हज हदीस नंबर वन सिक्स फाइव वन में मौजूद है तो इसकी बुनियाद पर अहल इल्म ने इस बात का फतवा दिया है कि हज तमत्तो अफजल और बेहतर है और चूँकि अपने मुल्क से जो हजात जाते हैं वक्सर बशतर हज तमत्तो ही करते हैं तो इन अभी आपके सामने हज तमत्तो का तरीक़ा हम आपके सामने बयान करेंगे अल्लाह ताला हम सबको सुनने के साथ उस पर अमल करने की तोफ़ी कदा फरमा हज तमत्तो कैसे करेंगे हज तमत्तो का तरीक़ा क्या है वो मैं अब आपके सामने प्रगटली तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ हज तमत्तो में यह है कि इंसान अपने होटल से यानी जहाँ कहीं आप अपने होटल में ठहरे हुए हैं वहीं अपने होटल से आठ जा को आठ जैलहज़ा को अपने होटल से अपने रहायशी से आप अहराम बांध लेंगे अब यह कि अहराम कैसे बांधेंगे हम बरदरम मुसीम अहमद साहब को बुलाएंगे और वो अहराम पहने हुए हैं तो इस तरीके से आपको अहराम पहनना है मर्दों के लिए अहराम की दो सफ़ेद चादरें हैं एक चादर जिसे आप देख रहे हैं कि ये जिसम के ऊपरी हिस्से को ढाकपे हुए हैं और दूसरी चादर जो है ये जिसे तहबंद की शक्ल में पहने हुए हैं तो ये अहराम की दो सफ़ेद चादरें हैं जिन्हें मर्द हजरात को अपने होटल से जहाँ कहीं अजीज़िया में या मक्का में जहाँ कहीं ठहरे हुए हैं वहीं से उनको वो ये अहराम पहनना है अहराम पहनते हुए कि अहराम कहीं नीचे खिसक ना जाए और इस बात का डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ में अहराम खुल जाए और वो बेपर्दा हो जाए तो उसके लिए इंसान बेल्ट बांध सकता है ये बेल्ट आप देख रहे हैं ये इस तरह का भी बेल्ट बांध सकते हैं या अहराम के लिए ख़ास बेल्ट मार्केट में मिलता है उसको भी आप बांध सकते हैं तो इस तरीके से आपने अपने होटल से अहराम बांध लिया है अब चूँकि हज तमक् आप कर रहे हैं जब आप अपने बस में सवार हो जाएंगे तो बस में सवार होते हुए अब आपको हज की नीयत करनी है आप कहेंगे अल्लाह मलबैक हज्जन या कहेंगे लब्बैक हज्जन अगर आप अपने तरफ़ से हज कर रहे हैं और अगर आप किसी दूसरे के तरफ से हज बदल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर तो उसका नाम भी ले लेंगे मिसाल के तौर पर उस इंसान का नाम अब्दुल्ला है तो आप कहेंगे लब्बैक हज्जन अन अब्बुल्ल या अल्लाहुम्मा मलबैक हजन अन अब्दुल्ला तो इस तरीके से आपने हज की नीयत कर ली अब यह है कि आपकी बस वहाँ से आप वो मिना के लिए रवाना होगी जजाक खैर आप तो सीख ले जाए ये मर्द हजरात हुए कि मर्द हजरात इस तरीके से नियत करेंगे ख़वातीन जो हैं ख़वातीन के लिए मैंने बताया ये इनका जो आम ड्रेस है जो आम लिबास है सलवार कमीज वही उनका एहराम होगा एहराम के लिए कोई ख़ास कपड़ा उनके लिए नहीं है तो सुन्नत यह है मसनून ये है कि इंसान आठ जिल्हिज़ा को सूरज के तुलु होने के बाद अपने होटल से ये मिना के लिए रवाना हो लेकिन चूंकि मौजूदा वक्त में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो मअलम जो होते हैं जो हजाज कराम के जिम्मेदार होते हैं चाहे वो हज मिशन के हों या टूर ऑपरेटर हों बसा अवकात उनको जो बस मिलती है वो रात ही में मिल जाती है यानी आठ जिलहिजा की रात ही को ग्यारह बजे बारह बजे ये हाजियों को मीना ले जाना शुरू कर देते हैं अगर ऐसा है तो जाने में कोई हर्ज नहीं है अब यह है कि जब आप मीना पहुँच जाएंगे आठ जिल को जिसे योम तरविया कहा जाता है तो तमाम हाजियों के लिए वहाँ पे मसनू है सुन्नत है कि आठ ज़िल को तरबिया को जहर असर मगरब ऐशा और फजर इन पाँच नमाज़ों को उनके वक्त पर अदा करें और रुबाई नमाज़ों को कसर पढ़ें जैसे जहर की चार रकात नमाज है असर की चार रकात है ऐसा की चार रकात है तो इन नमाज़ों को उसके वक्त पर जहर को जहर के वक्त में असर को असर के वक्त में और ऐसा को ऐसा के वक्त में इन नमाज़ों को उनके वक्त में कसर पढ़ा जाए दो दो रकत पढ़ा जाए मगरिब और फजर में कसर नहीं है मगरिब की तीन रक़त और फजर की दो रकात पढ़ेंगे जहर असर और ऐसा इन चार रकात की जो नमाज़ें हैं इनको दो रकात पढ़ेंगे ये कसर आप करेंगे यही सुन्नत है अब यह है कि नौ जो अरफा का दिन है अरफा के दिन यह है कि मसनून और सुन्नत ये है कि सूरज के तुलू होने के बाद में सूरज के निकलने के बाद में इंसान मिना से मैदान अरफात के लिए रवाना हो लेकिन वहाँ पर भी भीड़ रस होती है और हर मौलम को टूर ऑपरेटर को बसें ख़ास वक्त में दी जाती हैं कि आपको इतनी बसें प्रोवाइड की जा रही हैं अपने हाजियों को आपको रात में 11 बजे 12 बजे 2 बजे 3 बजे आपको मीना के लिए ले जाना है तो अगर रात में भी आपको टूर ऑपरेटर या आपका जो जिम्मेदार है बसें जिस हिसाब से मिल रही हैं उसको ले जा रहा है जाने में कोई हर्ज नहीं है आप जा सकते हैं जब अरफात के मैदान में आप पहुंच जाएंगे अगर फजर से पहले पहुंच गए तो आप फजर की दो रकात सुन्नत और दो रकात फ़र्ज आप पढ़ लीजिए जिक्र व असकार कीजिए तिलावत कुरान जो भी चीज़ें करके आप सो जाइए आराम कर लीजिए जब जहर की नमाज़ का वक्त हो या उससे पहले ही आप उठिए तैयारी कीजिए और ये है कि मैदान अरफात में जब इंसान पहुँचता है तो मस्जिद नमरा है वहाँ पर इमाम हज जो होते हैं वहाँ खुतबा देते हैं वहाँ जहर असर की नमाज दोनों एक साथ पढ़ाते हैं आपका ख़ेमा टेंट आपका वहाँ से दूर है तो जहाँ कहीं आपका टेंट आपका ख़ेमा लगा हुआ है वहीं पर आप यह है कि अगर कोई खुतबा दे सकता है तो सुन लीजिए नहीं तो आवाज़ आती है और नहीं भी तो यह है कि एक अज़ान हो ख़ेमे में और अजान के बाद में एकामत कह के जहर की दो रक़ात कसर पढ़ ली जाए फिर दूसरी एकामत कही जाए और साथ ही साथ में असर की दो रकात नमाज कसर पढ़ ली जाए ये जमा बैन सलातैन और जमा तकदीम है अल्लाह के रसूल वसल्लम ने ऐसे ही किया है और यही सुन्नत है तो ये अमल मैदान अरफ़ात में इंसान को करना चाहिए मैदान अरफात में ये अमल इंसान को करना चाहिए और करते हुए जब इंसान मैदान अरफात में पहुँचे तो उसको देखना चाहिए कि येलो कलर का पीले कलर का बोर्ड जगह जगह लगा हुआ है बॉर्डर पे उस पर लिखा हुआ है कि अरफात स्टार्ट हियर अरफात का मैदान यहाँ से शुरू हो रहा है तो आप जब मैदान अरफात में इंट्री करें तो आप उस एलो और पीले बोर्ड पे ज़रूर देखें कि हाँ यहाँ लिखा हुआ है कि अरफात का मैदान शुरू हो रहा है उस बोर्ड के अंदर आप वकूफ़ करें ताकि मैदान अरफात का वकूफ़ माना जाए अगर उस बोर्ड के बाहर आप ठहर गए तो गोया कि आप मैदान अरफात में नहीं ठहरे हैं और मैदान अरफात में ठहरना हज का एक रुकन है आपका हज बातिल हो जाएगा तो इसकी खास रियायत होनी चाहिए अब यह है कि जहर असर दोनों आपने एक साथ पढ़ ली अब इसके बाद में कुछ खाना पीना हो खा पी लीजिए और जिक्र अस्कार में दुआओं में तोबा इसतफ़ार में अपने वक्त को सर्फ कीजिए यहाँ तक कि सूरज डूब जाए मैदान अरफात में सोनन तिरमिजी को जो सही हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर दुआ दुआ वो यौम अरफा व खैर मा कुल्तु अना व नबीयून मिन क़ब्ल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हमद युही व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर इस दुआ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर दुआ है और इस दुआ को मैंने भी पढ़ा है और मुझसे पहले भी अम्बिया कराम ने पढ़ा है तो इस दुआ को कसरत से हर मर्द और हर खातून को जो हज के लिए गए हुए हैं मैदान अरफ़ात में ठहरे हुए हैं इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहें और उसके साथ तोबा इस्तार भी करते रहें ये वो मैदान अरफात है कि अल्लाह के रसूल सल् ने फरमाया कि अल हज वरफा मैदान अरफात में ठहरना ही हज है ये हज का अहम रुकन है ये मैदान अरफात है कि सही मुस्लिम की वो सही हदीस कि अल्लाह के रसुल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक तला इन हजाज कराम की जम गफीर को देखता है मर्द ख़वात सब के सब बैक वक्त मैदान अरफात में जमा हैं मर्द हजरात दो सफ़ेद चादरों में हैं अमीर और गरीब की कोई तमीज़ नहीं है सब के सब अपने हाथों को अल्लाह के सामने उठाए हुए हैं गुनाहों की मफ़रत के तलबगार हैं दुनिया और आखरत की खैर के तलबगार हैं रो रहे हैं गिड़गिड़ा गिल्ण रहे हैं अपनी गुनाहों पर तोबा इस्तफ़ार कर रहे होते हैं अल्लाह तआला जम गफ़ीर देखता है आफरिशतों पर फ्र करता है और कहता माँ आ हाउला इन लोगों को क्या चाहिए बल्कि बाग दूसरी रवायतें कि अल्लाह तबारक ताल फरमाता है कद गफर तो लहुम जाओ मैं इन तमाम लोगों को मैंने माफ़ कर दिया इन्हें परवाने मख़रत दे दिया तो ये मैदान अरफात है और मैदान अरफात में इस तरीके से इंसान सूरज के डूबने तक इंसान रहेगा सूरज के डूबने के बाद मैदान अरफाज से इंसान मुज़दलफा के लिए रवाना होगा बाकी जो आगे की चीजें हैं इंशाला दूसरे प्रोसीड में इंशाला हम आपके सामने उन चीजों को बयान करेंगे जब तक आप इजाजत दें असल वरहमत लरक दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9 five Doble it, double it, eight, double it, eight, double eight, two six per.